वेलकम वेलकम हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये लो गाइस छोले भटूरे बनने की तैयारी। बेटे देसी घी के छोले भटूरे खाऊंगे। के मंगा लिया? आप यूं ही देखो तो मेरे के कति धन मांग लगाए रखोगी हैं? जब तक है जा मतलब ब्रांडेड चीज की अलग बात हुआ यार। पहला मैंने लोकल लिया था, मैं सही बताऊं। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और आज प्रिया दीदी मतलब कल आई थी, हाँ, और जब तक आई है जब तक लग रही है, क्योंकि भई उनकी बहन का बेटा, जो बड़ी बहन है उनकी बड़ा बेटा नेवी में है, और वो सीधा पहले प्रिया दी के पास आएगा, प्रिया दीदी के पास आएगा, तो उनका वेलकम करने के लिए सुबह तक मतलब कल तक लगे रही थी। आज भी सुबह कपड़े वपड़े धो दिए, सब कुछ कर दिया। तो अभी चलते हैं नीचे, उनके वेलकम की तैयारी होने लग रही है। कैसी क्या तैयारी करते हैं? फ्लावर फ्लोर तो ला रखे थे भाई पिंक कलर के, तो चलते हैं देखते हैं कि कैसा वेलकम करते हैं। ठीक है, ये देखो आज दीदी किसके वेलकम की तैयारी कर रही है, उल्टा ही दिख रहा है वेलकम। कौन आया है दीदी? मेरी बहन का लड़का। मेरी शक्ल ढूंढी आ रही थी, ध्यान दिखाइए। तो बताओगे तो सही, नहाएगी बाप बताइए। मैं ना लूंगी, 5 मिनट लाऊंगी। तो गाइस दीदी की बहन का लड़का नेवी में था ना? नेवी में ला, नेवी में लगो तो वो दीदी ने बुला रखा है अपने घर पे, यहाँ पे वेलकम लिखने लग रही है। बढ़िया लगी, रक्षा कर ली उसने, कराई आने का रक्षा मार, बादल कर लिया वो, बादल का भी आने लिया। थोड़े थोड़े फैला दो इनने, ये ना आवी के तू फैला दो जल्दी आ उधर। वो फैला रही थी तेरे पे, मैं दूर पड़े थे, फेंक दिए थोड़े एक दो दिन पहले। कोई ना, इतना ही बतेरा। जल्दी दे जल्दी दे, रिक्शा पकड़ का लेगा, इतने तो तेरा भैया लगता है ना तेरा। ओह गुलदस्ता भी बना रखे, कोई ना इतने में चल का आ जाएगा। वेलकम लिख दिया, चल जल्दी नालो, इसी बुंदी सी शक्ल लेकर वेलकम करोगे। नालो फिर शूट करूंगी, जल्दी नालो आप भी, मैं खाना बना के नाऊंगी। अच्छा बहुत अच्छा है, फुल तैयारी देखा कितनी जल्दी लुक बदला, 5 मिनट भी ना लगी। उन्हें तो नवा दो आरुन है, चड्डी पहना दो। वेलकम की कहाँ पे आ लिया हैप्पी? रस्ते में इसमें बिरा। अच्छा इतना मैं भी कपड़े बदलाऊं, ठीक है ना? आया हूँ मैं सीधी, आप आए हो गैला, आपका वेलकम करम। आराम आराम बार वो हो रहा होगा। हाँ मिठाई तो लगी ना, मैं है। हाँ, 14 बार कर दो, 7 बार की जगह। डिब्बे में नहीं चरी, अरे वीडियो तो पता तो। वेलकम वेलकम वेलकम, ले काम करो। हाथ क्यों कांप रहे हैं? बेचारे ने फिटनेस बना रखी है, आप खिला के मिठाई यार वो करा दो। भाई मेरे बस 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 कौन आ गया? ओ भाई साहब इतना बड़ा तो चाहिए भाई, घिसरा ले जाओ उड़े तई।
माई टोली की टोली जामुन जामुन इतने सारे जामुन यार रहा देश में अच्छा हैप्पी तो दिखा के लाए थे जामुन का पेड़ चाची की कमर पे तो ना है बिल्ली बिल्ली ना जंप मार के कमर पे पसीना पसीना हो रहा है चलो पंजे मार दे चाची की कमर में एसी में तो लेकर कौन जाता है पसीना जब ऐसा मैं लिखती कौन आरु कौन आया हुआ है हैं ये कपड़े नहीं ये कौन है हाँ आरु का फ्रॉक किसा लग रहा है अच्छा आरु का फ्रॉक बता तो सही कौन है ये मैंने बनाया था ये मम्मी को बनाई थी ना अच्छा ये तो बनाई थी किसकी गोदी में है तू ये तो बता ये बस नू अपने आप समझ जाओ ऐसी दे बताओ ठीक है गाइस देखो आशीष कितना कमी रहा है भगवान ऐसा पति सबको दे बिजली के काम भी कर लेते हैं देखा के क्या सेटअप करेंगे आज मैंने अपनी प्रेस की सेटिंग चेंज करवानी है उसका जुगाड़ होने लग रहा है आशीष आशीष बदले में क्या चाहिए आपको है पक्का ऑफ कैमरा मत बोलियो दिखाइए अपनी डेविल वाली हंसी क्या क्या है यार मेरे द्रोह की चीज है सो तो बड़ा तोहफा मारी यरमा मारी मारी लड्डू रहा मैरी बहने हैं भाई हैं सब कुछ है और क्या चाहिए आपने पक्का ना पक्का ना चल ठीक है सेटअप करो उसके बाद दिखाते काय का सेटअप हुआ है ये लोग आई छोले भटूरे बनने की तैयारी बेटे देसी घी के छोले भटूरे खाऊंगे जो दो रेडी हो गया भटूरे का चलो क्या करे घी खाते ना मारे कोई भी नखरे इतने हैं मारे तमने तो सब क्या की आदत है बाहर जाकर किसा खाना पड़ जा बेरा है बाहर देसी घी खा रहा है राजी हो गया बढ़िया छोले की तरह छोले की शक्ल तो देखी ये रहे छोले गाइस है गरम कर दूं ओके छोले गरम कर फूट गए बर्तन ये गया भटूरा तेल के अंदर एक हमेशा खराब होया करे पर चलो बच गया आज इनकी बार बच गया मस्त गरम हो रहा है तेल गणा घी बन गए तल हैप्पी ते दे दो एक शुरू चीड़ा चीड़ा समझा ना बड़ी तेल बढ़िया गरम हो ना तो फिर से ही उतर जा है ओ बेटे एक छोले भटूरे की दुकान खोल लो के मंगा लिया आप यूं ही देखो तो मेरे के कती दिन मांग लगाए रखोगी हैं जब तक है जा बिकॉज़ मैंने अपना मेकअप का सामान मंगाया है जो मतलब खत्म हो चुका जो मैंने शादी में ही लिया था 3.5 साल उन नो रे उन बतन है अब मंगाया उसके बाद मैंने मेकअप बीच बीच में बेटा तू मंगाया जा है अरे जैसे एक आधी और चीज इसी में जो ऑडियंस ना ना बेरा जो जी के लाग गया ना बेरा है प्राइमर है जैसे ये 3 साल चल गया मेरा प्राइमर जो उड़ा है दीवारा वाला क्या है जो मुंह की दीवारा ऐसा वो दी ले लो आप क्या क्या आया है ये दिखाती हूँ पहले एक तो मैंने अपना कंडीशनर मंगाया था बहुत जरूरी है जो स्मूथनिंग वाले बाल हैं उन तय मेरे तो बाल झाड़ू जी से हो गए 2-4 बार कंडीशनर ना करा दिमाग खराब हो गया मेरा तो बिल्कुल तो मैंने ये मंगाया है एक बे क्रीम इसकी बॉटल देख कितनी सुंदर है बोतल देख देख के जी बढ़िया हो रहा है और इसके साथ है मैंने यूं ना पता था मैं सोची क्या आओगी इसके साथ एक रिफिल भी फ्री है ये इसकी तो मुझे ज्यादा खुशी इसकी ना है इसकी ज्यादा खुशी कि एक्स्ट्रा मिली खाली है नहीं भरी भरी उड़ा है ये नहीं पता था मुझे इसके साथ आएगी ये लैक्मे की डे क्रीम गाइस मैं मतलब डे फाउंडेशन वगैरह तो घर पे लगाते नहीं है तो ये डे क्रीम है एक वही लगाती हूँ ये है
विटामिन सी का सीरम TNW का, क्योंकि भाई विटामिन सी फेस के लिए बहुत जरूरी है, और ये मैं नहाते ही लगाती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा ड्राई सा हो जाता है, तो ये लगाते सही। उसके बाद ये बस और कुछ नहीं, हमने तो कुछ लगाने की जरूरत ना पड़ती, कोई विटामिन सी भी लगा था। मेकअप थोड़ी बनाया, लड़की आता ये बनाया मेकअप मम्मी करेंगे। एक ये मंगाया है मैंने ब्रॉन्सन का प्रोफेशनल ब्लेंडर, क्योंकि मेरा खराब हो गया जो शादी में लिया था 3 साल पहले, ये ब्लैक कलर का। मतलब ब्रांडेड चीज की अलग बात हुआ यार, पहला मैंने लोकल लिया था, मैं सही बताऊं मैंने ना पता था ब्रांडेड का शादी में, तो मैं यो मंगाया है। अब अरे इतना सॉफ्ट है, अभी तो ये पानी में ना डला है कि यो मोटा सा हो जाता है और बढ़िया लग रहा है। कभी आगे मेकअप करूंगी तो दिखाऊंगी जरूर। मैंने अभी सारी चीज ऐसे ही रख रखी है क्योंकि आ तो सुबह ही गया था सामान। और ये है मेबलिन का मस्कारा, मेरा मस्कारा भी खत्म हो गया था, ये वो हाइपर कर्ल वाला मंगाया है। लड्डू रुक जा, वीडियो मत खराब कर, चुप। ये है नायका का लाइनर, आजा मेरे पास आ। ये है नायका का लाइनर ब्लैक मैजिक, नायका का ही प्राइमर। और ये है लव अर्थ की, मैंने नो लिपस्टिक मंगाई। अलग अलग होगी, एक एक कलर की मंगा ली, अलग अलग होंगी, एक कलर की कैसे होगी। ये देखो मिनी मिनी पैकेट, सारे शेड है इसमें, और अपना यूज करो। और कितने रुपए की, कुल 800 रुपए की, नो कुल 800। और एक लिपस्टिक का आप पता है कितनी में जो कर उसमें कहते ना मात्र 500 करोड़ रुपए, मात्र नुआ मात्र 800 रुपए लगा दे तू, करोड़ 800 में कोई फर्क नहीं, वे क्या लग रहे मात्र 800 रुपए की तो बाहर जाओ ना खान, मुझसे ज्यादा लगा दे है पता आपने इस बात का। ये तो मेरी नो लिपस्टिक आई है, क्या महीने चल लेंगी पता ना। तो लड्डू नहीं, ये नहीं खाना बेटे, नहीं लड्डू नो नो नो, इसे मुंह में चला जा, इसे खेल ले, इससे खेल ले, देख देख ले, ये नहीं खाना जब बोल दिया, इसको खा ले अपने बिस्किट को पकड़ ये। तो ये नो लिपस्टिक है, अलग अलग शेड की, एक मैंने लगा रखी है सुबह रेडी होकर, और मतलब पिंक न्यूड रेड मतलब हर तरह के मजे से आ गई है। और ये है TNW का रोज वाटर, जो मतलब मेकअप रिमूव करने के लिए भी, और मैं वैसे भी मेकअप के बाद स्प्रे कर लेती हूँ अपने ऊपर। ये है TNW की हेयर सीरम, जो बालों में मतलब TNW के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, इसलिए ये 3 मंगाए मैंने। और सबसे ज्यादा खुशी इसकी हमने जो फ्री मिल का बैग है, जो फ्री में मिल रहा है ट्रैवल करने से। वैसे तो मेरी वैनिटी इतनी बड़ी है, वाले के लिए ट्रैवल करने के लिए बड़ी आ गया है ना, सही है। ये सारी चीज मंगाई है, मतलब कुछ रहा तो नहीं, सिरम भी हो गया, ये भी हो गया, सारी चीजें हो गई गाइस। तो मेरा सामान यो देम कितने का आया होगा, 4-5 हजार का, 5-6 हजार का तो होगा, इतने का तो है गाइस। प्रॉपर रेट तो ना बताती मैं, लेकिन हाँ यूँ है, किसी चीज को ऑफ भी मिल जाए, जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे भी ज्यादा ऑफ मिल जाए किसी पे कुछ, तो जिसको मंगाना मंगा सकते हैं, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या यूज करना चाहती है। लड़के क्या कर रहे हैं लड्डू, सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं यूज कर लिए। तो गाइज ये हैं मेरे मेकअप के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ले सकते हो। और आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं पे एंड, और पूरा व्लॉग देख के कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, कैसे हमारे छोले भटूरे लगे, पहले भी बना रखे, किसके बर्थडे पे बनाए थे अभी रिसेंटली, ऋषभ का था आई थिंक, तो आ गया आ गया आ गया, देखो वो आ गया, देखो लड्डू आ गया। हेलो कर दो सबको, जय कर दो सबको, जय जय तो कर दे सबको, हीरो मेरे, मी जान मी जान। ठीक है, तो ये लड्डू बीच में मेरा वीडियो बॉम्बर है, ये आके वीडियो ऐसे ही बॉम्ब करता है, मम्मी के साथ बैठ के व्लॉगिंग करेगा, व्लॉगिंग करेगा मम्मी के साथ बैठ के। इसका अपना नया चैनल खोल लगा इसने तो बना, इसने यूं पता लगन दो कैसे ऐसे हुआ है, यो देख कैसे देखने लग रहा है। लड्डू आई लव लड्डू, ये करीना कपूर वाला लड्डू है, लड्डू कभी खुशी कभी गम का, इसका लड्डू अभी तो सब यूं कहे तुम लड्डू को मत कहो लड्डू मत कहो, लेकिन जब लड़कियां इसको लड्डू बोलेंगी ना तब अच्छा लगेगा बहुत। तो मैं अपनी फ्रेंड ना घर पर लेकर आया करेगा जब लड्डू लेकर आइए, ठीक है। तो गाइज ये वाला व्लॉग मैं यही कर रही हूँ एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। अंदर तक खटखट की आवाज आ है, देख तेरे पापा क्या कर रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं, ओए चड्डी निकल गई आपकी पीछे। काम चल रहा है भाई इलेक्ट्रिशियन का।
मैंने प्रेस की सेटिंग यहाँ कराई क्योंकि यहाँ पे टेबल रख दी है मैंने और उस पर रखे हैं लैंप्स, तो प्रेस की सेटिंग वहीं पे हो जाएगी सीधा, और क्योंकि सोफे दोनों बाहर हैं तो अंदर खाली है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।